नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 10। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। आपको बता दें कि यहां पर ईटानगर की होलांगी में अरुणाचल प्रदेश के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया। साल 2019 में पीएम नरेंद्र मोदी ने होलांगी में यहाँ पर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण की आधारशिला को रखा था। और आपको बता दें कि यहाँ पर रेट्रोफिटेड तेज हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया था। एक आधिकारिक बयान के अनुसार होलोंगी में यहाँ पर टर्मिनल का निर्माण लगभग 955 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। और इसका क्षेत्रफल की अगर बात करें तो यहाँ पर 4100 वर्ग मीटर है और इसकी अधिकतम क्षमता प्रति घंटे 200 यात्रियों को संभालने की है। और यह हवाई अड्डा अरुणाचल प्रदेश का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बार फिर से देश में तारीफ हुई है और साथ ही विदेश में ये बयान बड़ा वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विदेश में भी डंका बज रहा है। पीएम मोदी की यहाँ पर रूस की राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए की गई यहाँ पर टिप्पणी आज का युग युद्ध का नहीं है, G20 के यहाँ पर संयुक्त घोषणा में शामिल किया गया। इसे लेकर अमेरिका ने भी पीएम मोदी के प्रयासों की सराहना की है। यूक्रेन रूस संघर्ष के यहाँ पर पृष्ठभूमि में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए की गई टिप्पणी आज का युग युद्ध का नहीं है संदेश जोड़ने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की जा रही है। इंडोनेशिया में यहाँ पर बाली में G20 संयुक्त घोषणा के परिणाम विवरण का एक हिस्सा बन गया है। और चलिए बात हैदराबाद की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर हैदराबाद पुलिस ने शुक्रवार को बीजेपी सांसद अरविंद धर्मपुरी के आवास पर हुए हमले के सिलसिले में 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ गैर जमानती धाराएं लगाई हैं। बीजेपी सांसद अरविंद धर्मपुरी के आवास पर हुए हमले का आरोप तेलंगाना राष्ट्र समिति TRS की कार्यकर्ताओं पर है। सांसद की हैदराबाद स्थित घर पर हमले का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर बीजेपी सांसद ने मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और साथ ही उनकी बेटी MLC के यहाँ पर कविता को लेकर जो है व्यक्तिगत टिप्पणी की थी। और चलिए बात अब गुजरात के सूरत की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और साथ ही राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने सूरत में पत्रकार वार्ता करते हुए कहा है कि हिमाचल में जीतकर हम सरकार बनाने जा रहे हैं और बीजेपी की कई यहाँ पर दिग्गज नेता हार रहे हैं। आम आदमी पार्टी का भी यहाँ पर कोई जनाधार नहीं है, वो एक भी सीट नहीं जीत पाएगी। जनता इनके शासन से त्रस्त हो चुकी है। साथ ही उन्होंने कहा कि यहाँ पर पिछले 27 सालों से गुजरात में बीजेपी की सरकार है और सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ सरकार में आए थे, लेकिन उन्होंने ना तो यहाँ पर सबका साथ दिया और ना तो सबका विकास किया है। जबकि उत्तर प्रदेश की जनता ने भी 2 बार सांसद बनाकर दिल्ली भेजा है, लेकिन गुजरात में एक भी उत्तर भारतीय समाज का ना तो कोई विधायक है और ना कोई सांसद है। इतना ही नहीं, यहाँ पर हिंदी भाषियों के लिए भी ना तो यहाँ पर कोई स्कूल और साथ ही कॉलेज है। साथ ही गुजरात में यहां पर जो है बिजली पानी स्वास्थ्य सेवा शिक्षा का भी अभाव है। सूरत में मजदूरों को यहां पर 12 12 घंटे काम करवाने के बाद 8 घंटे की उनको पगार दी जा रही है। आतंकवाद के शिकार हुए थे और ये हत्या एक व्यक्ति की नहीं, एक पूर्व प्रधानमंत्री की, और ये आतंकवादी घटना है। जिस तरह उनकी रिहाई तकनीकी आधार पर की गई, उस पर लोगों में रोष है। तो उस रोष से बचने के लिए, क्योंकि गुजरात और पहले तो छुड़वाया, उसमें मदद की, गवर्नर उन्हीं का था, उसने डिसीजन क्यों नहीं लिया समय से, इसका जवाब तो उन्हीं को देना पड़ेगा, भाजपा को देना पड़ेगा। तो जो इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ, फेस सेविंग के लिए उन्होंने अपील।
और चलिए बात कर लेते हैं गुजरात में विधानसभा के चुनाव को लेकर। सूरत की उधना विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार धनसुख सिंह राजपूत से चुनाव को लेकर इंडिया दस्तक न्यूज की एडिटर ललन जी ने खास बातचीत की, क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया दस्तक टीवी और मैं हूं लल्ला। जो उधना विधानसभा है उसमें जो चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, वही एक उत्तर भारतीय समाज के एक अग्रणी हैं और उत्तर भारतीय समाज का अगर सिरताज कहा जाए तो उससे कम नहीं है, क्योंकि आज तक उन्होंने उत्तर भारतीय समाज में उन्होंने बहुत सारा योगदान भी दिया है और बहुत सारा उत्तर भारतीयों का उन्होंने मान सम्मान बढ़ाया है और हमारे बीच में है। और उधना विधानसभा से कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे बीच में है और इनसे हम जानते हैं कि अब ये जो चुनाव है वो किस तरह से मतलब जीतेंगे और जनता की जो समस्याएं हैं उसको किस तरह से जीतने के बाद जा करके ये विधानसभा में किस तरह से उठाएंगे, इनसे जानते हैं। सर, नमस्कार। मैं धनसुख राजपूत उधना विधानसभा से विधानसभा सदस्य के तौर पर चुनाव लड़ रहा हूँ। पिछले 20 साल से, कम से कम 20 साल से मैं इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। उसमें 3 टर्म तक तो मैं उधना विधानसभा, उधना जोन जिसको कहते हैं वो उधना विधानसभा में ही आता है, उस जोन में मैं 3 टर्म से मैं कॉरपोरेटर रहा। और इस क्षेत्र में के जो भी लोग हैं उनसे मेरा बहुत ही अच्छे ताल्लुक हैं, क्योंकि लोगों से मेरा संपर्क कंटिन्यूस रहता था और उस संपर्क की वजह से जहाँ भी जिसका काम पड़ता था उस क्षेत्र में मैं जाता था। वैसे मैं चुनाव जीतता था बमरोली से, लेकिन इस क्षेत्र के लोगों के से बहुत ज़्यादा अच्छा संबंध था और इस क्षेत्र की सारी समस्याओं से मैं वाकिफ हूँ। इस क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या है एजुकेशन और हेल्थ, और उसके बाद में हमारे क्षेत्र के चारों तरफ खाड़ी है, खाड़ी में गंदा नाला है, गंदा पानी बहता है, लोगों को रहना दुश्वार हो रहा है। उसके बाद में यहाँ पर सब कब्जा रसीद से मकान बना के बैठे हैं, उनकी ज़मीन रहने नहीं है, प्लान पास नहीं है, लेकिन हजारों की संख्या में मकान हैं। तो ये सब सारी चीज़ों से मैं वाकिफ़ हूँ, उनकी समस्या से वाकिफ़ हूँ। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा मेरे लिए, लेकिन बहुत सारे काम ऐसे हैं कि जो उधना विधानसभा में ही इसको वहाँ से ही हो सकते हैं, और वो मेरे जहन में है, जानकारी में है, उसको बखूबी मैं उसको निभाऊंगा। जैसे कि सर 20 सालों से आप जनता के बीच में रहे हो, 20 सालों से आपको लोग जानते हैं, तो उन जनता से आप क्या क्या कहना चाहेंगे? बस उस जनता से यही कहना चाहते हैं कि मेरे इतिहास को समझिए, मेरा जो इतिहास है उसको ध्यान में लेके आप मुझे जिताइए, उसके उससे बढ़ के मैं क्या बता सकता हूँ जी। इस बीच में आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं जो है वो भी आवाज़ उठाती नज़र आ रही है। आम आदमी पार्टी और ये भाजपा, ये दोनों एक ही है, ए और बी टीम तो है और क्या है, क्या वो दोनों एक ही है? वो तो सिर्फ भाजपा को जिताने के लिए आम आदमी पार्टी आई है, नहीं कि लोगों की सेवा करने के लिए आई है। हिमाचल प्रदेश में उन्होंने देखा कि भाजपा हार रही है और नहीं हमारे रहने से और तकलीफ होगी तो छोड़ के चले गए। वही चीज़ गुजरात में होगा। पूर्व में आप आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट थे, उन्होंने फॉर्म वापस खींच लिया, आपके सामने ही बात है, पूरा गुजरात जानता है। तो ये तो भाजपा की बी टीम है। कितनी सीट गुजरात में सर, कितनी सीट लग? हम जीतेंगे, हमारी सरकार आएगी, हमारी सरकार आएगी। और सूरत में अभी ये कहना मुझे लगता है बहुत अर्लियर है, लेकिन पूरे गुजरात में परिवर्तन की लहर है और लोगों ने मन बना लिया है, क्योंकि इन्होंने महंगाई और बेरोजगारी से लोगों को त्राहिमाम त्राहिमाम कर दिया है और लोग थक गए हैं, कंटाल गए हैं। इसलिए ये 27 साल की जो बन के बैठी हुई सरकार है, जो काम नहीं करती थी, उसको देखते हुए लोग उन्हें निकाल देगी। आपका कहना है कि परिवर्तन अभी गुजरात में होगा? 101% परिवर्तन गुजरात है, 2022 कांग्रेस लाइस।
और चलिए बात अब दिल्ली से सटे फरीदाबाद की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर फरीदाबाद के सेक्टर 29 में घर के बाथरूम में गैस गीजर ऑन कर नहाने गई 33 साल की महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। एक नामी होटल में जीएम के पद पर तैनात थी। साथ ही बता दें कि यहाँ पर घर लौटने के बाद नहाने गई थी, देर तक जो है बाथरूम से बाहर नहीं आई तो परिजनों ने आवाज़ लगाई, कोई जवाब नहीं मिला तो पड़ोसियों को यहाँ पर बुलाकर बाथरूम का गेट तोड़ा गया। अंदर बताया जा रहा कि यहाँ पर रुचि बेसुध पड़ी थी, परिवार अस्पताल लेकर पहुंचा लेकिन जब तक उसकी मौत हो चुकी थी। सोलह नवंबर की बात है, पुलिस को करीब 8:30 बजे सूचना मिली थी सरवत हॉस्पिटल के वहाँ से कि भी एक महिला है जो हॉस्पिटल आई है जो जिसकी मृत्यु हो चुकी है। पुलिस ने इसमें तहकीकात करी, परिजनों से मुलाकात करी, उससे तो पाया गया कि महिला एक वर्किंग वूमेन थी जो मैरियट होटल में काम करती थी और अपने घर पे बाथरूम में नहाने के लिए गई थी और गैस गीजर की वजह से और वो अंदर बाथरूम में थी और वेंटिलेशन ना होने की वजह से और मतलब ऐसा पाया गया है कि उसकी मृत्यु होगी, जिसे हॉस्पिटल ले जाया गया जिसमें डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया है। बीके हॉस्पिटल में उनका पोस्टमार्टम कराया गया है, उनके परिजनों के उनके पिता को बुलाया गया था, उनको सूचित किया गया है। और चलिए बात अब चमोली की कर लेते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर विकास खंड नारायण बगड़ के स्थानीय रायका के खेल मैदान में यहाँ पर पिछले 4 दिनों से संचालित होने वाले ब्लॉक स्तरीय खेल महाकुंभ का अंतिम दौर के एथलेटिक्स प्रतियोगिता के संपन्न होने के साथ ही पुरस्कार वितरण के साथ साथ बताया जा रहा है कि शानदार समापन हुआ है। शुक्रवार को GICC खेल मैदान में यहाँ पर युवा कल्याण विभाग और साथ ही प्रांतीय रक्षक दल के तत्वाधान में आयोजित खेल महाकुंभ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। ये खेल महाकुंभ जो 2022 का आयोजन जो सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसमें हमारे यहाँ पे जो संचालन यहाँ पे जो है व्यायाम शिक्षकों के द्वारा माननीय जो है हमारे व्यायाम शिक्षक गौड़ जी और उनका जो नेतृत्व यहाँ पे हुआ, सभी व्यायाम शिक्षकों ने बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पे जो है हमारे जितने भी प्रतियोगिताएं थी उनका जो है सफल आयोजन किया। मतलब हमने कफोली वालों के साथ खेला तो उसमें कुछ प्लेयर अच्छे थे और कुछ ऐसे वीक थे, तो उसमें कड़ा मुकाबला हुआ और हमने अच्छे पॉइंटों से उनको हराया और फिर हम फाइनल में पहुँचे एक दो गेम के बाद। और फाइनल में कॉलेज वालों के साथ हमने खेला और उनके साथ भी हमारा बहुत कड़ा मुकाबला हुआ और तब हमने जीत हासिल की। और इसके बाद लक्सर की करेंगे। आपको तो देखिए यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लक्सर स्थित यहाँ पर खंड विकास कार्यालय सभागार में जो है आशा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और साथ ही बड़ी संख्या में आशा और साथ ही ANM कार्यकर्त्रियां शामिल हुई। इस दौरान यहाँ पर आशा कार्यकर्त्रियों को यहाँ पर विशेष यज्ञों की तरफ से क्षेत्र में गर्भवती महिलाओं से जुड़ी कई जानकारियां भी दी गई हैं। आप तो देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि किस प्रकार से गर्भवती महिलाओं को समय के अनुसार टीकाकरण किया जाए और भी तमाम मुद्दों पर बातचीत की। हमारा इसमें जो है NCD का काम होता है जो हम गांव के अंदर करते हैं, जैसे मैं भोगपुर के अंदर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी की पोस्ट पे हूँ, तो हम लोगों के क्या होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस दैट इज़ NCD, जो बीमारियाँ एक से दूसरे को नहीं फैलती है, इनका हमें स्क्रीनिंग करनी होती है, जिसमें आशाओं का हमारे साथ ये योगदान होता है कि वो गाँव के अंदर 30 और 30 साल से ऊपर के लोगों को हमारे पास लेके आती हैं, फिर हम उनका BP और शुगर चेक करते हैं और हमको अगर किसी का लगता है कि ये इसको मतलब हमें रेफ़र करना चाहिए तो हम उसको अपने CHC पे MO को रेफर करते हैं और कुछ पेशेंट्स अगर दवाइयां ले रहे होते हैं तो उनको काउंसिल करते हैं कि आप दवाइयां कंटिन्यू रखें, अपनी दवाइयों को छोड़े ना। 10 पॉइंट बिंदु दिए गए हैं जिसमें आशा को हम बता सकें और हमारे जितने भी अधिकारी हैं और जनप्रतिनिधि हैं उनको बता सकें आशा फील्ड लेवल में क्या क्या काम करती है, क्या क्या कार्य चलता है। इसके साथ ही हम आशा को भी वो करते हैं कि एक तरीके से जागरूकता फैलाए गाँव में कि शासन द्वारा सरकार द्वारा जो जो प्रोग्राम चल रहे हैं लोगों को उसको समझ हो जिससे वो उसका फ़ायदा उठा सके। और चलिए बात लक्सर की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर लक्सर के बसेड़ी खादर गांव में डेंगू ने कहर बरपा रखा है और आपको बता दें कि शुक्रवार को भी गांव में डेंगू से पीड़ित 2 और साथ ही ग्रामीणों की मौत हो गई। आपको बता दें कि यहाँ पर ग्रामीणों की मौत से इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है और आपको बता दें कि यहाँ पर मृतकों के नाम बाबुलेश पत्नी मुकेश पाल और साथ ही बता दें कि यहाँ पर खातून पत्नी हामिद है। ग्रामीणों का आरोप है कि यहाँ पर अब तक गाँव में डेंगू से 8 लोगों की मौत हो चुकी है।
लेकिन स्वास्थ्य विभाग कुछ नहीं कर रहा है। जिन दो लोगों की यहाँ पर मौत हुई है वो पिछले कई दिनों से डेंगू से पीड़ित थी। जोरी ग्रांट स्थित प्राइवेट अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। फिलहाल गांव में जनप्रतिनिधियों की तरफ से फॉगिंग कराई जा रही है और स्वास्थ्य विभाग भी जो है इस पर मामले को लेकर सतर्क हो गया है। हमारे द्वारा 7 तारीख से पिछले महीने की कैंप लगाया गया था हफ्ते भर का। उसके बाद जब अभी बीच में 9 तारीख को हुआ था तब से लगातार वहाँ पर कैंप चल रहा है। और रही बात सैंपलिंग की रिपोर्टिंग की, तो सैंपलिंग में जो भी नंबर वहाँ पर दे रहा है वो चंदा लैब के माध्यम से जा रहा है, जिसके उसका मोबाइल में ही रिपोर्ट आ जाएगी। जिसके पास फ़ोन नहीं है, जो नंबर उन्होंने दे रखा है तो किसी अपने रिलेटिव का दिया होगा, तो उसके पास रिपोर्ट चल जाएगी। ये मेनली हमने इसलिए करा है कि लोगों को परेशानी ना हो, रिपोर्ट उन्हें मिल जाए और फिर अपने माध्यम से हम उन्हें जो पॉजिटिव वालों को फ़ोन करवा रहे हैं और 2 दिन बाद उन्हें प्लेटलेट की डिमांड कर रहे हैं। सही है, डेंगू की व्यवस्था की थोड़ी कम चल रही थी, पर यहाँ 2 मौत और हो चुकी, इससे अलग 8 मौत और हो चुकी। आज की 2 मौत लगा के 8 हो चुकी। मंगलोर क्षेत्र में पशु चिकित्सा वैन योजना को लेकर पशुपालकों में खुशी का माहौल देखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर पशुपालकों को अपने बीमार पशुओं को इलाज के लिए चिकित्सा के 2 केंद्रों पर ले जाने के लिए बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। लेकिन जैसे यहाँ पर सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने पशु चिकित्सा वैन जो है योजना का शुभारम्भ किया, पशुपालकों ने राहत की सांस ली है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 60 मोबाइल चिकित्सा वैन का हरी झंडी दिखाकर इस पूरी योजना का शुभारंभ किया। ये बहुत अच्छी पहल करी सरकार ने, जैसा भाई सचिन ने भी बताया कि जैसे पशु बीमार हो जाते हैं, हम कहीं डॉक्टर चिकित्सा के लिए ले जा नहीं सकते, भैया वैन चलेगी, इसके लिए इनका उपचार भी हो सकता और बहुत सुविधा मिलेगी। अब यह है जैसा यहाँ हमारा पशु भाई ने बताया, हमारा पशु फिर रहे हैं, इनका हेल्पलाइन पर फ़ोन करके या भी सुविधा उपलब्ध हो सके, नहीं तो एक्सीडेंट वगैरह ये होते ही रहे हैं। इसलिए मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ, बहुत अच्छी। चलिए बात रुड़की की करेंगे। आपको तो देखिए यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार और विधायक उमेश कुमार के रुड़की गंग नहर किनारे आवास पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत पहुंचे और उन्होंने यहाँ पर उमेश कुमार को रुड़की आवास में ही जो है गृह प्रवेश के लिए भी शुभकामनाएं दी। चौधरी राकेश टिकैत और साथ यहाँ पर उमेश कुमार के बीच कई मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है। राकेश टिकैत ने कहा है कि यहाँ पर उमेश कुमार भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि उत्तराखंड में ज़्यादातर विधायक भ्रष्टाचार में शामिल हैं और वो जनता की आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। विधायकों को यहाँ पर खुलकर भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलना चाहिए और साथ ही लड़ाई लड़नी चाहिए। देखो प्रदेश में यहाँ 3 जोन यहाँ पे पूरे प्रदेश में है। एक ये मैदानी क्षेत्र है जी, जहाँ पे फसल गन्ने की है, धान है, गेहूँ है। एक इससे ऊपर अगर चले जाओगे तो पहाड़ की अलग सिचुएशन है जी। वो सबसे ज़्यादा नुकसान यहाँ नाम उत्तराखंड है और हिल स्टेट है, और सबसे ज़्यादा नुकसान यहाँ पहाड़ के किसान को है। जंगली जानवर सब वहीं है, उनकी फसलें वहाँ पर नहीं बिकती, मार्केटिंग वहाँ पर नहीं है। तो यहाँ की सरकारों को, पहले वाली सरकारें भी रही और इस वाली सरकार को भी, ये कहा कि 4-5 चीज़ें यहाँ पर अगर कर दोगे। एक है कि ट्रांसपोर्ट सब्सिडी, अगर पहाड़ पे किसान खेती कर रहा है, मंडी तक जाने की व्यवस्था उसकी सरकार की जिम्मेदारी हो जाए तो 2 रुपया किसान को बच जाए। और चलिए बात अगली खबर की करेंगे। सिंगरौली जिले में यहाँ पर विस्थापन नीति के तहत जो भी यहाँ पर सुविधाएं विस्थापितों के लिए निर्धारित की गई हैं उसका लाभ विस्थापित परिवारों को दिया जाना चाहिए। और आपको बता दें कि यहाँ पर आशु के निंदा जो है निर्देश भी यहाँ पर जो है कलेक्टर अरुण कुमार परमार ने दिए हैं। आयोजित बैठक में MMDC के यहाँ पर अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर जो है कलेक्टर की अध्यक्षता में और साथ ही देवसार विधायक सुभाष रामचरित्र वर्मा, सांसद प्रतिनिधि राजकुमार दुबे की मौजूदगी में यहां पर इस बैठक का आयोजन किया गया था। जो ये काफी ये पहले से चल रहा था और पहले बैठकी भी हुई थी,
उसमें जो गेप था लेकुना था, जैसे जहाँ जहाँ कुछ बिंदुओं पर काम नहीं हो रहे थे, तो उसमें लिखा निर्देश यही दिए हैं कि उसको प्राथमिकता से पूरा किया जाए और जो नीति के अंतर्गत जो भी चीज़ें हैं उनको लागू किया जाए, और वो लागू कर रहे हैं जो गैप है उसको गैप फिलिंग करना बेसिकली इसका उद्देश्य वही था। लोग भी उपस्थित थे तो बात हुआ था, तो जो भी जहाँ समस्याएं हैं तो बातचीत करके उसमें कुछ निर्धारण किया गया कि इस समय तक वो ये काम कर देंगे, ये काम कर देंगे, तो उसमें बातचीत करके निर्धारित किया गया और उम्मीद है कि उस पर वो सब चीज़ें पूरी हो जाएंगी। चलिए बात विदिशा की करेंगे। आपको तो देखिए यहाँ पर विदिशा में जो है सागर जिले के मंडी बमौरा में सुबह श्रद्धालुओं का जत्था मां जानकी के दरबार में पद यात्रा करते हुए रवाना हुआ है। समिति के संचालक विनीत लोधी ने बताया कि यहाँ पर हम सभी श्रद्धालु 60 किलोमीटर की पदयात्रा के बाद माता जानकी को जो है निशान अर्पित कर दर्शन करेंगे और साथ ही क्षेत्र और प्रदेश की सुख शांति के लिए भी जो है जानकी मैया से प्रार्थना करेंगे। मंदिर परिसर में भोजन प्रसाद ग्रहण का भी वापस लौटेंगे और पदयात्रा में पिंटू दुबे, प्रदीप सैन, राजू साहू सहित कई भक्त शामिल हैं। हम लोग सभी भक्त मंडी बामोरा से आ रहे हैं और माता मंदिर जाकर करीला के लिए जा रहे हैं। या करीला वाली शवर ले रही हो हमारी, और फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।